हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विश्वेंद्र पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। किसके इम्पीचमेंट के विषय में? प्रेसिडेंट, जो की बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 61। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि जो प्रेसिडेंट है उन पर इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो कैसे चलाया जाता है। तो आर्टिकल 61 की शुरुआत करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इस बैकग्राउंड में लेकर जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 61 जो है वो तो केवल इम्पीचमेंट के प्रोसीजर की बात करता है, बट प्रेसिडेंट को जो ये इम्पीचमेंट है क्यों लगाया जा रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस लिए लगाया जा रहा है, इसका मेन रीजन क्या है, ये किस आर्टिकल में बताया गया, सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो हम बात करते हैं ये आर्टिकल जो है आपका 56 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 56 है, ये बात करता है राष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में कि राष्ट्रपति जो है अपनी पोस्ट पर कितने साल तक रहेंगे। तो आर्टिकल 56 में बात की गई है कि अपनी पद अवधि से 5 साल तक, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो पद ग्रहण की तारीख से 5 साल तक अपनी पोस्ट पर रहेंगे। जी हाँ, अगर कोई अदर रीजन ना रहा, अदर रीजन क्या, आर्टिकल 56 जब आप खोल के देखेंगे अपने बैरक के अंदर तो आप वहां पाएंगे कि क्लोज फर्स्ट आर्टिकल 56 का उसमें 3 प्रोविजो दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट प्रोविजो जो ए वाला आता है वो ये बात करता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी पोस्ट से यदि रिजाइन ना दे दें, क्या ना दे दें, रिजाइन, यानी कि यदि राष्ट्रपति साहब जो है 5 साल पूरे होने से पहले ही अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन दे देते हैं, तो उनकी पोस्ट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। बट ये जो रिजाइन है किसको देंगे, तो राष्ट्रपति अपना जो रिजाइन है वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, उपराष्ट्रपति को अपना रिजाइन ये देते हैं। दूसरा क्या आता है, बी कहता है कि जिसकी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वोयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण, वोयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अतिक्रमण का जो आधार है इसी आधार पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है प्रेसिडेंट पर। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें जो पावर दी हुई है, जो एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि भाई आपको इस प्रोसीजर के अंदर रहकर ही अपना वर्क करना है, बट वो क्या कह रहे हैं, वो सख्ती से बाहर चले गए, जहां उनको पावर दी हुई कि भाई आपको मंत्री परिषद की सलाह से ये काम करना है, बट वो क्या करें, मंत्री परिषद की एडवाइस नहीं ले रहे, जो पावर आपको संविधान ने दी नहीं आप उन पावर का यूज कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा और क्या किया जाएगा, इम्पीचमेंट लगाया जाएगा। तो ग्राउंड जो है इम्पीचमेंट का वो तो 56 ने बता दिया, 61 तो केवल प्रोसीजर की बात करता है। आइए तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि जब इनके 5 ईयर जो है कंप्लीट हो जाए, एक्सपिरेशन ऑफ द टर्म, यानी कि एक्सपिरेशन ऑफ इस टर्म, यानी कि जब उनकी जो पदावधि है वो 5 साल पूरी हो जाए, तो ये 3 कंडीशन आर्टिकल 56 में बताई गई है कि वैसे तो पद ग्रहण की तारीख से 5 साल तक रहेंगे, बट 5 साल से पहले तो इन 2 आधारों पर हटाए जा सकते हैं, और तीसरा आधार बात करता है 5 साल कंप्लीट होते ही। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं और थोड़े इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, आर्टिकल 61 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये क्या बात करता है। देखिए आर्टिकल 56 ने तो बात की थी कि उनका पदावधि कितनी होगी, कितने साल तक अपनी पोस्ट पर रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ आर्टिकल 62 ये कहता है कि भाई अगर जो प्रेसिडेंट है उनकी पोस्ट वैकेंट हो जाए तो उसको कितने टाइम के अंदर आपको फिल करना होगा। तो आर्टिकल 62 के अंदर 2 क्लॉज दिए हुए, पहला क्लॉज तो ये कहता है सिंपल अवधि की बात कि भाई अगर आप 5 साल में अपना पूरा प्रोसेस लीगल तरीके से करके हट रहे हो तो आपके 5 साल पूरे होने से पहले ही क्या करना होगा, वो जो निर्वाचन है, जो इलेक्शन है वो कंप्लीट करना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति की जो पोस्ट है आप उसे खाली नहीं रह सकते, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक होता है प्रेसिडेंट, तो उसकी पोस्ट को ऐसे थोड़ना है कि आज 5 साल पूरे हुए हैं और आज ही आप क्या कर रहे हो, मतलब इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 62 का क्लॉज फर्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल पूरा होने से पहले ही उनके इलेक्शन का प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए। उसके बाद अब बात आती है 2 क्या कहता है, ये कहता है भाई कोई ग्राउंड बता रहा है, क्या ग्राउंड, कि यदि राष्ट्रपति साहब की जो है डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर वो अपने पोस्ट से क्या दे दें, रिजाइन दे दें, जो आपने 56 के अंतर्गत देखा था, या फिर क्या हो जाए उनको रिमूव कर दिया जाए, रिमूव मतलब रिमूव तो इसी ग्राउंड पर किया जाएगा ना, या फिर कोई अदर रीजन हो सकते हैं, अदर रीजन में क्या आएगा, मतलब कोई भी ऐसी इनकैपेबल डिसीज भी हो सकती है जिस कारण से वो अपनी पोस्ट को ना संभाल पाए, वो अपने पद से हट जाए। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये 5 साल से पहले कंडीशन होगी, तो अब क्या होगा भाई, इनमें से किसी भी कारण से इनका जो पोस्ट है वो आकस्मिक रिक्त हो जाएगा, तो अब क्या करें,
अब ऐसी कंडीशन में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाचन करेंगे, बट वो तो करेंगे, वो तो आर्टिकल 65 ने कह दिया कि यदि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो 5 साल पूरे होने से पहले किसी कारणवश यानी कि इन आधारों पर अगर वैकेंट हो जाती हो तो आर्टिकल 65 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उपराष्ट्रपति साहब जो है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। बट कब तक करेंगे, कितना लंबा प्रोसेसर होगा, क्या कोई टाइम पीरियड है कि इतने समय के अंतर्गत इन ग्राउंडों पर अगर राष्ट्रपति की पोस्ट वैकेंट होगी तो आपको फिल करनी होगी। बिल्कुल आर्टिकल 62 का क्लॉज 2 ये बात करता है कि यदि इनमें से किसी भी ग्राउंड पर डेथ हो जाए, रिजाइन दे दे, रिमूव कर दे, या अगर कोई भी रीजन से उनका पोस्ट वैकेंट हो जाए तो पोस्ट वैकेंट होने की डेट से 6 मंथ के अंदर, कितना टाइम होना चाहिए, 6 महीने, 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराना जरूरी होता है, क्योंकि इससे लंबे समय तक इस पोस्ट को आप ऐसे वैकेंट नहीं रख सकते। अब उसके बाद तीसरा एक आर्टिकल और हम आपको यहाँ पर बता दें, वो है आपका आर्टिकल 71। ये क्या बात करता है भाई, हमने आर्टिकल 65 में देख लिया यदि राष्ट्रपति अपनी पोस्ट पर नहीं है, उनकी पोस्ट वैकेंट हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट साहब आएंगे, ये बात करता था आर्टिकल 65। बट अगर कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाए कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी अपनी पोस्ट पर नहीं है, तो अब क्या किया जाए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पहले ही संविधान निर्माताओं ने बना दिया है आर्टिकल 71, जो कि पावर देता है पार्लियामेंट को कि यदि ये साहब भी नहीं रहे, वाइस प्रेसिडेंट साहब भी ना रहे, तो अब आप ऐसा रूल बनाएंगे कि जो प्रेसिडेंट है उसकी पोस्ट पर कौन बैठेगा। और ऐसी स्थिति में आप सभी जानते हैं कि ऐसी स्थिति में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो राष्ट्रपति की पोस्ट को संभालते हैं, और एम हिदायतुल्ला ऐसे पहले पर्सन बने थे जिन्होंने की राष्ट्रपति की पोस्ट को संभाला था एज ए सीजीआई रहते हुए। तो ये तो थी आर्टिकल 61 से पहले आने की थोड़ी सी आपकी स्टोरी, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 61 के, आर्टिकल 61 क्या कहता है। देखिए यदि कोई आर्टिकल या कोई सेक्शन आप लोगों को बड़ा लग रहा हो तो आप सिंपली उसके जो क्लॉजेस या सबसेक्शंस होते हैं ना उनको पार्ट मान लिया करें और उनमें डिवाइड कर लिया करें। जैसे आर्टिकल 61 के जो है यहाँ पर 4 क्लॉजेस दिए हुए हैं, आप ये मानकर चले कि आर्टिकल 61 के जो है 4 टाइप्स दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं पहला टाइप, पहला वो ही है ग्राउंड कि राष्ट्रपति जो है आप उनको किस आधार पर हटाओगे। तो संविधान का अतिक्रमण वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस आधार पर ही राष्ट्रपति को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। बट ये संविधान का अतिक्रमण करने पर हटाएगा कौन, ये बताएगा आर्टिकल 61। आरोप कौन लगाएगा कि भाई इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो आरोप लगाएगा संसद का कोई भी सदन, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या तो लोकसभा या आपकी राज्यसभा, दोनों में से कोई भी चार्ज लगा सकती है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है। ठीक है, संविधान का अतिक्रमण कर दिया, अब आरोप ऐसे ही नहीं लगेगा, सबसे पहले वो जो आरोप लगा रहे उसे कैसे लिया जाएगा, तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि वो रिजोल्यूशन के रूप में नहीं होगा। यानी कि आरोप जो भी सदन ला रहा है वो सदन उस आरोप की जो प्रस्तावना उसने रखी उस प्रस्तावना को रिजोल्यूशन के रूप में रखेगा, संकल्प के रूप में रखेगा, बट इस संकल्प को तब तक आप मान्य नहीं कर सकते जब तक कि एक रिटन नोटिस जो है 14 दिन का राष्ट्रपति को नहीं दे दिया जाता। यानी कि इस रिजोल्यूशन को लाने से पहले भी क्या करना होगा, 14 दिन की लिखित सूचना जो है वो राष्ट्रपति को देनी होगी और उस पर 1/4 मेंबर के सिग्नेचर होंगे। नोटिस भी ऐसे नहीं दोगे, जो सदन आरोप लगा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर नोटिस पर होने चाहिए, और साथ ही साथ अपनी इंटेंशन भी वो क्लॉज करेंगे, प्रकट करेंगे कि भाई इस रीजन से हम जो है इन पर यह संकल्प पारित करना चाहते हैं। उसके बाद सारा यहाँ से प्रोसेसर उस सदन ने कंप्लीट कर लिया, अब लास्ट में आकर के वो 2/3 बहुमत से अपना उस रिजोल्यूशन को पारित कर देंगे। उनके अगेंस्ट उस आरोप से संबंधित जो भी एविडेंस वगैरह होंगे उन सब के आधार पर वो लास्ट में आकर 2/3 बहुमत से जो रिजोल्यूशन को पारित कर दिया जाएगा, और यहाँ पर आकर एक सदन का काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी आती है दूसरे सदन की, तो दूसरा सदन क्या काम करेगा भाई, अब जो आरोप पहले वाले सदन ने लगाया था चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, अब दूसरा सदन उस आरोप का क्या करेगा, देखिए अन्वेषण करेगा, क्या कर रहा है वो, इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, दूसरा सदन क्या करेगा, यहाँ पर अन्वेषण करने वाला है, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना वो भी आपकी बात मान लेगा। ठीक है,
अन्वेषण कर दिया उसने, लेकिन अन्वेषण खुद भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा, या किसी ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण वगैरह से भी वो अन्वेषण करा सकता है, बट उसमें जो प्रेसिडेंट है उनकी प्रेजेंट होनी जरूरी है, या तो वो खुद उपस्थित हो सकते हैं या फिर अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को उपस्थित करने का राइट जो है यहाँ पर होता है किसको, प्रेसिडेंट साहब को। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई ये दोनों सदन आपस में मिलकर कोई भी जो है फॉल्स एविडेंस कलेक्ट कर ले या गढ़ ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसलिए प्रेसिडेंट साहब को राइट है या तो आप खुद उपस्थित हो जाओ इस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर में, या अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को आप यहाँ पर अपीयर कर सकते हैं। इसके बाद अब क्या बात आती है कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया, इन्वेस्टिगेशन में जो चार्ज प्रेसिडेंट के विरुद्ध लगाया गया था वो क्या हो गया, वो चार्ज जो है यहाँ पर देखिए सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया कि भाई आपने वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है, ये आरोप सिद्ध हो गया। और जो दूसरा वाला सदन था उसके भी 2/3 बहुमत से वो जो रिजोल्यूशन है क्या होगा, पारित होगा। उसके बाद अब जो संकल्प है, ये पूरा जो रिजोल्यूशन है इसका इफेक्ट क्या होगा, तो जिस दिन रिजोल्यूशन पारित होगा उस डेट से राष्ट्रपति को उनकी पोस्ट से हटना होगा, क्योंकि वाकई में आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है, और हमारे इंडिया के अंदर संविधान सबसे बड़ा है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको संविधान का अतिक्रमण करने की पावर दी हुई है। आर्टिकल 61 ये बात करता है कि चाहे वो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे इस वीडियो को कमेंट करें, चैनल को लाइक करें।